दोस्तों, अगर कोई लैपटॉप मुझे एक बार देखने पर सबसे ज्यादा पसंद आया है तो वह है डेल का XPS 13। ये पहला थिन बेजल डिवाइस था और अभी भी शायद सबसे ज्यादा थिन बेजल इसी में है। और 4 साल के डेवलपमेंट के बाद मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि डेल XPS 2019 डेल का बनाया हुआ अभी तक का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है। ये अपने फोर्थ इटरेशन में है और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे देखने के बाद काफी कंपनीज ने अपने लैपटॉप में चेंजेस किए हैं, क्योंकि अब काफी सारे थिन बेजल लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल हैं। पर मुझे अभी भी लगता है अगर आपको 13 इंच का अल्ट्राबुक लेना है तो डेल XPS 13 आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। इस साल डेल ने XPS 13 में दो बड़े चेंजेस किए हैं। पहला, अब वेबकैम ऊपर दिया गया है डिस्प्ले में, जो पहले नीचे हुआ करता था डिस्प्ले के। और ये वेबकैम इसके पहले तीनों इटरेशन में स्क्रीन के नीचे ही था। और वैसे कहूं तो ये काफी बुरी जगह है वेबकैम के लिए और ये एंगल भी कुछ अच्छा नहीं है। और काफी लोगों ने इसकी कंप्लेन की और कुछ के लिए तो ये XPS 13 ना लेने की वजह भी बन गया था। पर अब डेल ने इसे सही जगह पर लगाया है, जो टॉप ऑफ स्क्रीन है और इसकी इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और दूसरा चेंज जो इसमें हुआ है वो एक एस्थेटिक चेंज है, और अभी व्हाइट कलर के साथ व्हाइट फिनिश में आता है। और अगर इसके बाहरी सरफेस की तरफ देखें तो ये सिल्वर व्हाइट जैसा लगता है, जो कि पहले रोज गोल्ड था। और इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, नया मटेरियल थोड़ा सा रफ है, पर ये बस सिर्फ छूने में ही रफ है। ये चीप क्वालिटी या पुअर मटेरियल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बस छूने में थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप मिलती है आपको। और अगर मैं इसके पिछले वर्जन से कंपेयर करूं तो ये वाला लैपटॉप पकड़ने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो ये वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, पर जब आप इसे पकड़ते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा ग्रिप मिलती है और ये ऊपर से देखने में सिल्वर मैट फिनिश जैसा लगता है। इसका इंटीरियर ग्लास फाइबर का बना है और मैं इसके पिछले वर्जन के ड्यूरेबिलिटी से थोड़ा परेशान था, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और डेल ने भी कहा है कि ये स्क्रैच और स्टेन रेजिस्टेंट है। और मैंने कुछ पिछले साल वाले XPS यूजर से भी बात की है और उनका कहना है कि ड्यूरेबिलिटी या कलर फेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस साल वाले XPS और पिछले साल वाले XPS से कलर में थोड़ा डिफरेंस जरूर है। पता नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है या फिर कलर अलग है, पर इस साल के व्हाइट और पिछले साल के व्हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, और या फिर ये मटेरियल इसी तरह पुराना होता है। और इसका पुराना वर्जन थोड़ा वार्म येलोइश दिखता है, पर इसके नए वर्जन का व्हाइट थोड़ा कूल और ब्लूइश व्हाइट जैसा दिखता है। वैसे दोनों ही अच्छे दिखते हैं, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। परफॉर्मेंस 2019 मॉडल की थोड़ी बेटर है अगर आप पिछले साल के मॉडल से कंपेयर करें, क्योंकि ये इंटेल के नए 8550U प्रोसेसर पर रन करता है, जो कि एक क्वाड कोर चिप है। और ये उन एप्स के लिए काफी अच्छा है जिन्हें मल्टी कोर प्रोसेसर की जरूरत होती है। और ये थर्मल में भी थोड़ा इंप्रूव है। वैसे इसके हार्डवेयर में तो कोई चेंज नहीं है, सेम थर्मल सॉल्यूशन ये यूज करता है, पर इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर ट्वीक किया गया है और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है। और ये प्रॉब्लम मुझे इसके लास्ट ईयर के वर्जन में थी, क्योंकि इसका थर्मल सॉल्यूशन तो काफी अच्छा था, पर इसके फैन थोड़े स्लो चलते थे और लैपटॉप गर्म हो जाता था। पर इसके नए सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप फैंस को फुल स्पीड पर रन कर सकते हैं, और फुल स्पीड पर फैन चलने के बाद भी ये ज्यादा लाउड नहीं होता। और अगर बात करें इसकी अपग्रेडिंग की, तो अंदर जाने के लिए आपको कुछ स्क्रूज ओपन करने हैं बस। इस लैपटॉप की बैटरी में कोई चेंज नहीं है और 4K डिस्प्ले वाले लैपटॉप पर आपको 8 to 9 आवर बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और इसके 1080p मॉडल पर आपको 11 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो पिछले वर्जन के बराबर है। वैसे ये काफी अच्छा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 USB Type-C पोर्ट है और एक माइक्रो SD कार्ड पोर्ट है, जो काफी है एक लाइटवेट लैपटॉप के लिए। पर अगर आपको और ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन चाहिए तो इसमें USB Type-A नहीं है, पर इसके साथ आपको एक डोंगल जरूर मिलता है कनेक्शंस बढ़ाने के लिए, पर डोंगल्स की अपनी प्रॉब्लम होती है। और बैटरी लेवल देखने के लिए इसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है, जिसे प्रेस करने के बाद ये आपको बैटरी लेवल दिखा देता है LED की हेल्प से। और ये एक ऐसा फीचर है जो मैं चाहता हूँ कि हर ब्रांड को अपने लैपटॉप में डालना चाहिए। बस आप एक बटन दबाइए और आपको बैटरी लेवल का पता चल जाए। पर मुझे नहीं पता क्यों बाकी ब्रांड्स इसे अपने लैपटॉप्स में नहीं देना चाहते, पर अच्छी खबर यह है कि XPS में ये अवेलेबल है। इसके लेफ्ट साइड का USB Type-C पोर्ट थंडरबोल्ट 3 सपोर्ट करता है, जिसमें मैंने एक एक्सटर्नल GPU अटैच किया, और इसकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। पर अगर आप ये सब इसके इंटरनल GPU पर रन करते हैं, जो कि इंटेल 6000 सीरीज का है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मैं आपसे सही से कहूँ तो इसका इंटरनल GPU बकवास है, और इंटरनल GPU से ये आप उम्मीद भी करते हैं। इसके कीबोर्ड और ट्रैकपैड दोनों में कोई चेंज नहीं है, और मुझे इसके कीबोर्ड और ट्रैकपैड दोनों काफी पसंद भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वर्ल्ड के बेस्ट ट्रैकपैड या वर्ल्ड का बेस्ट कीबोर्ड है, पर कुछ दिन के बाद आदत पड़ने पर आप इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इसके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो वो है पेज अप और पेज डाउन की, जो एरो की के एकदम करीब है और काफी छोटे हैं। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट स्क्रॉल कर रहे हैं और गलती से एरो की दबने के काफी ज्यादा चांसेस है, और उसके बाद तो फिर आप ही देख लीजिए कि क्या होगा। इसके पावर बटन पर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप विंडो हेलो यूज करके इसमें लॉग इन कर सकते हैं। इसका ग्लास ट्रैक पैड है विंडो प्रिसीजन ड्राइवर के साथ, और ये एक अच्छा ट्रैक पैड है। बस ये साइज में काफी छोटा है अगर आप बाकी लैपटॉप से कंपेयर करें, क्योंकि ज्यादातर कंपनी आजकल काफी बड़े ट्रैकपैड इंस्टॉल करने लगे हैं। पर ये साइज के मामले में थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, पर ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक अच्छा ट्रैकपैड है। इसके स्पीकर्स में कोई चेंज नहीं है और ये साइड में दिए गए हैं।
ये अच्छा साउंड करते हैं कम से कम अल्ट्राबुक के हिसाब से, और आप इस साइज के लैपटॉप से क्लियर साउंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अब मुझे थोड़ी देर इसकी स्क्रीन की बात करनी है। और इसमें इस बार एक 4K पैनल भी है, लास्ट टाइम सिर्फ आपको 1080p पैनल ही मिलता था। ये दोनों काफी अच्छे डिस्प्ले हैं, शार्प हैं, पर 4K पैनल थोड़ा ज्यादा ब्राइट है, पर ओवरऑल दोनों काफी अच्छे डिस्प्ले हैं। और अगर आप मार्केट में हैं और अगर आप ये डिवाइस लेना चाहते हैं और स्क्रीन डिसाइड करना चाहते हैं, तो मैं वोट करता हूं कि 95% लोग 1080p डिस्प्ले के साथ जाएंगे। वैसे 4K स्क्रीन थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा शार्प है, पर इसके 13 इंच के साइज में आप उतनी जल्दी उतनी आसानी से पिक्सल डेंसिटी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। एक 13 इंच 1080p पैनल काफी शार्प दिखता है और 4K पैनल थोड़ा और ज्यादा शार्प, पर इन दोनों में डिफरेंस बता पाना काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसका 1080p पैनल उतना कलर एक्यूरेट नहीं है जितना 4K पैनल है, पर 1080p पैनल ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। वैसे आप कोई भी चूज करिए, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है, पर इसका 1080p पैनल वाला वर्जन थोड़ा सस्ता है। और ये काफी अच्छा लैपटॉप है, डेल इसे थोड़ा थोड़ा हर साल इंप्रूव करता है। और फाइनली इसका वेबकैम इशू फिक्स हो चुका है, जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और अब ये उतना अच्छा है जितना ये हो सकता था। और मुझे नहीं लगता इस लैपटॉप को इससे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस लैपटॉप में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिन लोगों को ये लैपटॉप पसंद है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।